हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो फाइनली है स्पोर्ट राउंड की फर्स्ट लिस्ट जो रिलीज कर दी गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या कट ऑफ गई है, क्या क्या कट ऑफ नहीं गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन कल बच्चों ने किया था। ठीक है, एटलीस्ट कुछ जो है उसकी आ चुकी है, जैसे ये बीटेक सिविल है और इसकी इसकी पीपीटी वगैरह ये जो हुआ है इसकी नहीं आई। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन ब्राउन कलर, ये सारी लिस्टें आ गई है, और ये जो ब्लू ब्लू टाइप जो दिख रहा है उसके अंदर लिस्टें नहीं आई है। ओके, और उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है, ठीक ठाक कंडीशन पे है अभी। ओके, तो यार अब अपन बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी थी कि भैया क्या ये लास्ट राउंड था, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा, अगर होगा तो कितने राउंड होंगे, पिछले साल क्या कंडीशन रही थी, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यार ये लास्ट राउंड नहीं है, इसके बाद भी और भी बहुत सारे राउंड होंगे। ठीक है, आप मान सकते हो एटलीस्ट 3 राउंड होते हैं। ठीक है, पिछले साल ऐसे ही राउंड हुआ था, देन उसके बाद गूगल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर अब ये ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के पास कि वो लोग जो है जैसे सीटें वैकेंट रहती हैं अब, ओके आफ्टर 5 से 6 दिन बाद, तो यार गूगल मीट एडमिशन भी हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ये गूगल मीट का लिंक दिया हुआ होता है, आधे घंटे तक गूगल मीट चलता है। ओके, और गूगल मीट के अंदर आपको ज्वाइन करना होता है, देन उसके गूगल मीट का जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर आपको गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाता है। पिछले साल तो एंड मोमेंट पे यही हुआ था, और जो अगर जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह में टीचर लोग भी कांटेक्ट करते हैं बाद में कि भैया सीट वगैरह बची हुई है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ होता है, तो बहुत जिन लोगों ने फीस वगैरह पे नहीं की होती तो उनको भी कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे आपको अभी क्लासों वगैरह के लिए कॉन्टैक्ट किया होगा, आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाया होगा, ठीक है, आपके HOD आपके टीचर वगैरह ने आपको कॉन्टैक्ट किया होगा कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपने फीस सबमिट की है, आपकी क्लासों वगैरह के बारे में जो भी बातचीत हुई होगी आपकी, तो जस्ट आपका ये हो सकता है, सिंपली गूगल फॉर्म भी आ सकता है। और ऐसा भी होता है कि गूगल मीट लिंक दिया होता है जिसके अंदर आपको ज्वाइन करना होता है, जिसके अंदर ही आपको बाद में गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म में आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा या फिर वेबसाइट पे जो भी इनका पोर्टल है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 राउंड और होंगे कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, वो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन वो एडमिशन लेते नहीं है। और यार गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहती, कभी नहीं चाहती कि उनकी एक भी सीट वैकेंट रहे। ठीक है, उनकी एक भी सीट वैकेंट रहे ये बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि एक स्टूडेंट एटलीस्ट कॉलेज को कितने लाख रुपए देता है, कम से कम 5 लाख रुपए देता है। ओके, और अगर 5 सीट भी उनकी बच जाती है ना, तो एटलीस्ट 25 लाख रुपए का गवर्नमेंट को लॉस होता है, तो ये कभी नहीं चाहते कि हमारी सीट वैकेंट रहे। अगर इनके पास 3 सीट भी बचती है तो ये डायरेक्टली गूगल फॉर्म कंडक्ट कर देंगे कि भैया इस ब्रांच के अंदर 3 सीट वैकेंट है, आप एडमिशन ले सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अप्लाई नाउ। ओके, तो और ऐसा भी नहीं है बच्चे अप्लाई नहीं करते यार, अगर 2 सीट भी बचेगी ना तो कम से कम 500 बच्चे अप्लाई करेंगे 2 सीट के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन कम नहीं है यार, कंपटीशन को फाइट करने के लिए पढ़ाई करते रहना है और अभी घबराना नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो जैसे कट ऑफ गया है, तो जो SC ST कैटेगरी के लिए सीट्स वैसे बहुत ही कम है, तो मतलब दो किसी किसी ब्रांच में 2-2 बच्चे आए, किसी में 3-3 बच्चे आए, तो ऐसी सिचुएशन चल रही है। ओके, तो जैसे जैसे ही काउंसलिंग वगैरह आता है फर्दर नोटिस, आप अपने अप्लाई जरूर करें, और प्लीज सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल यार, तुम्हारे लिए क्या क्या पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ के यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब तो बनता ही है वैसे। ठीक है, तो कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।